نعرہ تکبیر، تھوڑی بھائی ساؤنڈ والا آواز بھی دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اچا بولو، مل کے بولو، سارے بولو، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ دی بارگاہ وچ ایک دفعہ پھر دعا ہے، اللہ تواڈا میرا بیٹھنا بولنا میلے وچ شمار نہ کرے، عبادت وچ شمار فرماوے. الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اسلام تے بن اوکھی گئی کر کرم پاک غفارے میں دعا پیا کرے نا جدا دل کرے آمین آکھ دے وے اسلام تے بن اوکھی گئی کر کرم چ پاک غفارے کشمیر تو گھن کے فلسطین تائیں ہے مسلم پارے پارے دین دے دشمن تباہ ہوویں اے ویکھن اکھ دے نظارے اے امتی سارے کٹھے ہوویں تینوں واسطہ پنج تن پیارے تینوں واسطہ پنج تن پیارے ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا عین ہے تے غین کہے نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کہے نہیں اس بندے نو وی پتھر سمجھی جہن دے دل وچ حسین کہے نہیں حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمال ہی اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمال ہی قرآن با اخلاقش گوا حسنت جمیع خصال ہی صدقن یقینن راسخن صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہ اللهم صل
अल्लाह सल्ले अल्लाह, कोशिश करो जी मेरे वाल वेखो, सल्ले अल्लाह सल्ले अल्लाह सल्ले अल्लाह सल्ले अल्लाह सल्ले अल्लाह जलाल जमाल कमाल नवाल खियाल इकबाल सल्ले अल्लाह सल्ले अल्लाह बख्त तख्त वक्त सल्ले अल्लाह इस्म जिस्म किस्म सल्ले अल्लाह फजर जोहर असर सल्ले अल्लाह हुनैन खंद के बदर सल्ले अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाह सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लमु तस्लीमन कसीरन कसीरा। मैं दसवें पारे दी सूरत तौबा विचो 71 नंबर आयत पढ़न दा शर्फ हासिल कीता है। इहदे विच अल्लाह पाक ने वलियां दियां 6 आदतां बयान कीतियां हैं। थोड़ी आवाज दे सकदे हो सरकार, इहदी आवाज ही खत्म कीती बैठे हो जी, मेहरबानी करो ये डब्बा भावे बंद कर दो, चलो एक जो आवाज आवे ना सरकार। मैं अर्ध कीता है, ठीक है जी, बस ठीक है, गुजारा हो जाए। दसवां पारा है सर, सूरत तौबा है, 71 नंबर आयत है। इहदे विच अल्लाह पाक ने अपने वली दियां 6 सिफतां बयान कीतियां हैं। तुहाडे विचो एक बंदे सुभान अल्लाह आख्या, बाकी मैं समझ रहा उन्हां दा ज़हन मेरे पासे नहीं। 6 निशानियां दित्तियां हैं। हाली भी 2-4 बंदे चुप कीती बैठे हो, कोई महफिल च हिस्सा पाओ, तमाशा है महफिल ना बनो। अल्लाह पाक ने अपने वली दियां 6 अलामतां बयान कीतियां हैं। वैसे ये कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, ये 30 पारे हैं। ये अल्लाह ने 80 दफा वलियां का जिक्र किया है, यानी कितें औलिया का लफ्ज आया है, कितें वलायत का लफ्ज आया है, कितें वली का लफ्ज आया है। और किबला हामे सही अगला जुमला मैं किमें पढ़ा, 20 जगह 100 जगह ऐसी हैं जितना बिल वास्ता या बिला वास्ता अल्लाह पाक ने वलियां दा शान खुद बयान किया है। तुसा इत्थों अंदाजा करो, तुसा बहुत सारे उर्सा ते जांदे हो, सो तुसा एक आयत सुनी होसी उलमाए किराम कने, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम, माशाल्लाह। एक कुरान मजीद च जड़ा अलैहिम वला हुम यहज़नून है, ये 12 रबीउल अव्वल दे सदके 12 दफा आया है, 12 दफा। यानी कि अल्लाह नू वली बहुत प्यारे लगते हैं। तुसा सहाबे कहफ का किस्सा सुनिया होना है, जेड़े वलिया नाल अगर कोई कुत्ता भी गया है तो अल्लाह पाक ने उहदा जिक्र भी अपने कुरान च कीता है। तो तुसा एक वली दे उर्स ते आए बैठे हो, और वो वली भी हा उस्ताद उलमा भी हा, मेरा ख्याल है तुसा किस्मत आले नहीं, यकीनन किस्मत आले ही वे। एक आलिम दी कबरे अनवर नाल बैठे हो ते एक वली दी कबरे अनवर नाल बैठे हो। हुण इजाजत दो मैं वो 6 सिफतां तुहानू कुरान चो दसा कि वली दियां सिफतां केड़ियां हैं। तुसा जितना भी मेरे समेत बैठे हो ना जी, तुसा सारियां दियां 24 पसलियां हैं मेरे समेत। हर कहीं दा बाई पासे दिल धड़कदा है, मेरा भी बाएं पासे जी, तुहाडा भी बाएं पासे। भावें फैसलाबाद आला है, उहदे भी 2 बाजू हैं, भावें मुल्तान आला है, उहदे भी 2 टंगा हैं। हर किसी का खून भी रत्ता है, हर किसी दे जड़ा दिल है उहदे विच वाल भी 4 हैं। गल दिल ते नहीं बनदी, गल खून ते नहीं बनदी, गल किरदार ते बनदी है। करबला दी धरती है 4 मील दे किबला, अराउंड अबाउट 4 मील है। उत्थे 28,000 यजीदी भी खलोता हा, उत्थे 72 सिपाही भी खड़ा हा। और जड़े 28,000 हन वह भी जमीन ते टुरदे हन, जड़े हुसैन नाल 72 हन वह भी जमीन ते टुरदे हन। समझो है ना जी, मुसल्ले भी सारे कोल हन, सजदे भी सारे करदे हन, मगर गल क्या है, निस्बत लै गई। जड़ा यजीद नाल रलिया वह यजीदी बन गया, जड़ा हुसैन नाल लड़िया वह आया होर है तो जन्नत लैके टुर गया। शाबाश शाबाश शाबाश, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शलाह सलामत रहन जी, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मैं 10वें पारे विचों
ਵੱਡੂ ਸਾਹਿਬ ਹਕਾਇਤ ਚੁਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਜਮੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 6 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਨਾ ਮਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ 'ਤੇ ਆਇਆ ਖੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇੰਟਰਚੇਂਜ 'ਚੋਂ ਸਾਏ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਪੈਣ, ਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾਫਿਰ ਹਾਏ ਕਿਹੜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਬਈ ਉਹਦਾ ਸਫੈਦ ਅਮਾਮਾ ਹੋ ਸੀ, ਇਹ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਫਾ ਹੋ ਸੀ, ਸਾਦੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਸਨ, ਸਫੈਦ ਦਾੜੀ ਹੋ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖੀ ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਆਖਿਆ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਣ ਆਇਆ ਖੜਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਫਰ ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਇਵੇਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰੀ। ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ MNA ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ MNA MP ਆਵੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਆਵੇ, ਬੰਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਅੱਗੇ ਬਾਨਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ। ਅਸਾਂ ਮੌਲਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਸੱਚੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਚਾਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਫੈਜ਼ ਯਾਫਤਾ ਇਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿਲ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਬੋਲਵੀ ਕਿਆ ਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਾ ਹੈ 10ਵਾਂ, ਸੂਰਤ ਹੈ ਤੋਬਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਬ ਦਾ ਜਾਜਾ, ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਾਜਾ, ਕਾਬੇ ਦਾ ਹਾਜਾ, ਉਮਤ ਦੀ ਲਾਜਾ। ਓ ਮਹਜਬੀਨਾ ਐਨ ਅਲ ਯਕੀਨਾ, ਸਾਦਿਕ ਤੇ ਅਮੀਨਾ, ਜਿੰਦ ਜੀਵੇਂ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨਾ। ਓ ਮੇਰੀ ਉਭਰਦੀ ਤੇ ਲਾਂਧੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰਾ, ਉਮਤ ਦਾ ਗਮਖਾਰਾ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ ਹਰ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਖੈਰਾ, ਮੇਰਾ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੋਵੇਨ। ਅੱਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੱਲ ਮੋਮਿਨੂ ਨਾ ਵੱਲ ਮੋਮਿਨਾ ਤੋ ਬਾਦ ਹਮ ਔਲੀਆ। ਓ ਬਾਦ, ਓ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਹਾ, ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਮੋਮਿਨ ਤੇ ਮੋਮਿਨਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਸਨ? ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਯਾ ਮਰੂਨ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਸਨ। ਵਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਵਲੀ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਨਚਵੇਂਦਾ, ਵਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਰਸਾਂ ਤੇ ਰਿੱਛ ਨਹੀਂ ਨਚਵਾਂਦਾ, ਵਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਯਾ ਮਰੂਨ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫੇ। ਵਲੀ ਦੀ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸੈ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਯਨ ਹਾਉਨ ਅਨਿਲ ਮੁਨ ਕਰ, ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ। ਤੀਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਯੁਕੀਮੂ ਨਸਲਾਤਾ, ਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰੇਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ। ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਾਯੁਕੀਮੂ ਨਸਲਾਤਾ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹਾ ਤਾਂ ਕਾਬਾ ਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹਾ ਤਾਂ ਕੂਫੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ।
हाय हाय मेरा ख्याल है तुहानू हाल ही पता नहीं लग्या जिन्हें हाथ चाहता है पता लग गया है वल इमाम उल औलिया कौन है जदी मां ने जदा ना हैदर रखिया जेदे पिउ जेदा ना सफदर रखिया ओ मियां जेदे वड्डे भीरा जाफर ने जेदा ना जरगाम रखिया उस तो छोटे ने कसवर रखिया ओ है वलियां दा सरदार जेदा ना नबी ने अली रखिया अल्लाह ने अली उल मुर्तजा रखिया शाबाश शाबाश सुभान अल्लाह शाले हाथ किसी दे मोहताज ना होवन सुभान अल्लाह हां मैं सही आप टेंशन ना ले हम नौकरी करके जाएंगे त्रीजी निशानी केड़ी है अल्लाह फरमांदा है मेरा हबीब ऐलान कर दे वयकीमून सलाता ओ वली होंदा उ होए जड़ा नमाज कायम करेंदा है ए नहीं के नमाज ही ना पढ़े ते नीड़े हाथ चुमवाई जावे नमाज ही ना पढ़े ते गल विच चार किलो दी तस्बी पई जावे सिर्फ शफ शफ ते फूके मार के गुजारे कराई जावे वली ओ है नेकी दा हुक्म देंदा है बुराई तो रोकदा है ते नमाज कायम करेंदा है ए इंटरनेट दा जमाना है दुनिया सानू सुने ता उना नू पता लगे पीर नूरानी दे औरस ते मौलवी केड़ी गल कर गया हाँ सिपारा दसवा है सूरत तौबा है आयत नंबर 71 है मैं कुर्बान हो जावा अल्लाह चौथी निशानी केड़ी है अल्लाह फरमेंदा है मेरा जड़ा वली है चौथी निशानी है वह यो तू नज़ाकता मैं उन्हों माल भी देवा वो सिर्फ लैण वाला काम नहीं करदा मेरी राह ते ज़कात भी देंदा है एक दो तीन चार पांच जिन हाथ जाता है मैं राधी हाँ जिन नहीं जाता मैं उन्हें तो भी राधी हाँ काली टोपी वाला हाथ भी चेंदा बैठा है नाल नाल चीदे भी कर रहे हैं इन्हू ये पता कोई नहीं है जाफर कुरैशी है मुल्तान वाया बैठा है ये देखो लो जैन भी हैं हाँ मेरा बच्चा ये खिताब आती में नहीं लभदी है उन्हों मिल दिया जो तो जहरा दा बाबा राजी हो भी मैनू पता कोई नहीं मैनू 27 साल हो गए वट्टू साहब मैनू जान देन मैं किवें पिया बोलदा मैनू कोई सिंघ नहीं लगे हो लेकिन मैं मिंबर ते बैठा मैनू पता लग वेंदा है चैकर कौन आया बैठा है ते पाकां दा नौकर केड़ा आया बैठा है जी बेटा मजा आ रहा है बहुत पढ़ने में आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं चौथी निशानी केड़ी है वह यूतू नज़ाकत ज़कात भी देंदा है बच्चों तू सा सोना पे सुन दे तो नू एडवांस मुबारक होवे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन मैं आदा क्या पे अल्लाह अपने वली दी निशानी भी आदा सेंदा है पहली निशानी नेकी दा आर्डर करेंदा है मुरीदो नमाज पढ़ी करो मुरीदो चंगे काम किता करो और मेरे मुरीदो बेटियां दा हक दिता करो मेरे मुरीदो भेणी नू घरों ना भजाया करो और मेरे मुरीदो सूद ना खाता करो और मेरे मुरीदो खबरदार कदई मेरे उत्ते रह जाओ हकूक अल इबाद पूरे करो क्यों निशानी है कामिले पीर दी हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी मेहरबानी मेहरबानी सुभान अल्लाह मैं कुर्बान हो जावा पहली निशानी हमें सही केड़ी है वो है या मरून बिल मारूफ दूसरी है वह या नहाउन अनिल मुनकर वह बुराई तो रोकदा है और तीसरी निशानी जड़ी अल्लाह बयान पे या करदा है कमाल है फरमाए वह यकीमून सलाता वो नमाज भी पढ़दा है चौथी निशानी यूतून ज़कता अपने माल की साल में 2.5% ज़कात भी देता है अल्लाह तेरे वली दी पंजवी निशानी केड़ी है फरमाया मेरा हबीब ऐलान कर दे वयुतीउन अल्लाह ओ मेरी नौकरी भी करदा है जी जी बंदे आदम जी सानू तो पता ही नहीं जाफर साहब सानू दसो भाई असी कहदी बैयत होवी है असा लाल टोपी वाले दी बैयत होवी है काले अमामे वाले दी बैयत होई है साडे कोल पुछ दे ओ मरो कुरान तो पुछ लो ना अल्लाह ने जड़ा मेरठ दिता है उस मेरठ ते आओ ना
ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਹੈ। ਵਾਯੋ ਤੀ ਉਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਦਾ ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਟੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਸਈਆਂ ਛੇਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਛੇਵੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਯੋ ਤੀ ਉਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਸੂਲਹੂ, ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਸਾਂਗਲਾ ਹਿਲਦਾ ਮਜਮਾ। ਓਏ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦਾ ਹਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਵਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਰਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਵਣ ਉਹਦਾ ਮੈਡਲ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਲਾਇਕ ਸਯਰਹਮੁਹੁਮੁਲਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ, ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ ਮਜਮਾ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਮਜਮੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥਕਾਇਆ। ਉਲਾਇਕ ਸਯਰਹਮੁਹੁਮੁਲਲਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਬੂਬਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਜ਼ੂਸੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਹਕੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਗਾਲਿਬ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਵਲੀ। ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਬੋਲੋ, ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਕਿਤਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ? ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਵੈਂਦਾ ASI, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਣ ਵੈਂਦਾ SHO ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ASP ਬਣ ਵੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ DSP, ਫਿਰ DIG, ਫਿਰ IG। ਯਾਨੀ ਜਿਤਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਜਾਵਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਤਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਲੀ ਨੂੰ 6 ਫੁੱਲ ਲਾਏਨ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਕੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੈਕਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਨਬੀ ਕੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਹਮ ਆਪਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਦਾ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਸਈਆਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ASI ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਲੱਗਾ ਤੇ SHO ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਵਾਰਿਸ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ 6 ਫੁੱਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਸਾਲਹੀਨ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਲੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਤਵੱਲੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਜੀ, ਨਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਵੇਦ ਇਲਾਹੀ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ, ਨਾਰਾ ਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾ ਏ ਤਹਕੀਕ, ਨਾਰਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਰਾਇਆ ਹੈਦਰੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮੁਤਵੱਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਲੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਤਵੱਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੁਤਵੱਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਂਗਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੁਤਵੱਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਟੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਤਵੱਲੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਤਵੱਲੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਚੰਦਾ ਦੇਵਣਾ ਹੈ, ਮੁਤਵੱਲੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਬਗੈਰ ਮੁਤਵੱਲੀ ਦੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਗੈਰ ਮੁਤਵੱਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਰ ਤੈਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਲੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਆਹਾ ਹਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ, ਛਾ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਛਾ ਗਏ। ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਰਫਤਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ
आज इना इना इस आयत दे तनादोर पीर साईं पीर भाई मैं उस हस्ती दा जिक्र करना चाहना जेदी कब्र ते यार ही आले पीर भी चिल्ला कटिया नहीं मजा मौलाना तुसा तवज्जो नहीं फरमाई ए जेड़ा दाता दी दरबार ते चिल्ला कटे ओ मोइन ओ दीन चिश्ती अजमेरी होदा है और जिथे मेरा गांव से आदम शहबादे ला मकानी किंदीले नूरानी या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी चिल्ला कटे ना उस दरबार आले दा ना हजरत मारूफ करखी होदा है आज अगर इजाजत दे हजूर पीर नूरानी सरकार दे जलसे ते मैं इस सेलिब्रिटी दा देकर करा मेरा कुरान ते हाथ है सर इंटरनेट ते तकरीर जा रही है मैं तुहाडे नाल मगरब दी नमाज पढ़ी है मैनू बड़ी खुशी हुई है कोई इत्थे हाथ रख के नमाज ही पढ़ रहे हैं मैं वेख रहा मी कोई इत्थों वाले भी हैं मैनू टेंशन उन्हां दी है जिहड़े पढ़दे ही नहीं मैनू इत्थों दी टेंशन नहीं भावे इत्थे रख भावे इत्थे रख पहाड़ तो सही सजदा तो बराबर ही है ना तुसी जितना ही बैठे वे मेरा कुरान ते चाहे हाथ है चैलेंज पिया करदा मारूफ करखी दा दरबार बगदाद विच है और चांद बेटा खुदा की कसम ये वो दरबार है उलमा कहते हैं वहां जाकर मारूफ करखी के वसीले से जो भी दुआ करो बाहर नहीं निकलते पहले कबूल हो जाती है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ए तो नहीं ना होण तू घोड़े ते चढ़े हुए चरसी पीरा नु वेखेंदे साडे बुजुर्गां नु ही भूल जावे तेरी भूल है हाँ इंज नहीं करीदा बंदे काबे जाने उत्ते भी जुतियां चोरी हो वेंदियां फिर बंदे काबे जावण छड़ देंदे मस्जिद नबवी जाने उत्थे चोरियां हो जाने फिर असी मस्जिद नबवी छड़ देवीए एदा मतलब है नक ते मक्खी बैठे ना मक्खी नु हटाईदा नक नहीं कप्पीदा तू तो जी मेहरबानी हो कहीं आखिया ना जी फलाना बंदा है ते फलाना जड़ा जी दाढ़ी भी रखी है ते है डाकू ओ बंदे आ क्या अकल कर हया कर एने दाढ़ी रखी है डाकू बनन लई ते दाढ़ी ओ रख देन जिना ते मुस्तफा भी राजी होवे खुद खुदा भी राजी होवे देओ इजाजत फिर आज मूड बन गया मैं मारूफ करखी दा जिक्र करा ईसाई एक बंदा हा बहुत वड्डा जागीरदार ओदा पुत्र हा ओ गिरजे घर विच पादरी नू दे गया आदा है मेरे बेटे नू पढ़ा उस्ताद उस वेले जड़ा राहे भा इंजील पढ़ा के आता है मारूफ आख दे सलासा तुन सलासा माज अल्लाह तीन खुदा हैन आख मारूफ तीन खुदा हैन ते मारूफ दा बचपन है भी ईसाई दा बेटा उस्ताद दी अख विच अख पा के आता है हो वल्लाह हो आहद तीन नहीं मेरा खुदा ता एक है मेरा खुदा एक है ओए राहिब ने घर भेजिया मां कुटेंदी है मरेंदी है ओए मियां ढक देंदी है ते सुक्की रोटी सटेंदी है मगर मारूफ करखी मनदाई नहीं फिर अचानक एक दिन मां ओझल होई ए घरों निकल गए ते पहुंचे उस हस्ती कोल हुण मैं हामिद सही मैं अख बंद करके पड़सा आख जाफर कुरेशी किस हस्ती कोल पहुंचे उस हस्ती कोल पहुंचे जेड़ा आप भी इमाम हा जेदा बाबा भी इमाम हा जेदा दादा भी इमाम हा जेदा पड़दादा भी इमाम हा जेदा छड़दादा भी इमाम हा आख जाफर जल्दी दसा ओ कौन है ओ हा इमाम अली रजा इमाम अली रजा बेटा है मूसा कादिम दा
ਓਏ ਮੂਸਾ ਕਾਦਮ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਦਾ, ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਬਾਕਿਰ ਦਾ, ਇਮਾਮ ਬਾਕਿਰ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਸੱਜਾਦ ਦਾ, ਇਮਾਮ ਸੱਜਾਦ ਬੇਟਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਪਾਕ ਮੈਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂਰ ਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਐਨ ਨੂਰ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਘਰਾਨਾ ਨੂਰ ਕਾ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਨੇਸ਼ਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ, 17,000 ਆਲਮ ਕਲਮਾ ਤੇ ਦਵਾਤਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹਨ, ਆਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਣ, ਦਰਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਹਟਾਓ, ਅਸਾਂ ਵੇਖੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਨੂਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਇਵੇਂ ਜੋ ਨੇਸ਼ਾਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਇਆ, 70,000 ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਤਨਾ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਰਾਤ ਸਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠਾਏ, ਜ਼ਰਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਨ ਕਾਲ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂਫ ਕਰਖੀ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰੂਫ ਕਰਖੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਫੈਜ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਾਰੂਫ ਕਰਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਕਤੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਹੈ। ਕੌਣ ਮਾਰੂਫ ਕਰਖੀ? ਅਗਲਾ ਅਗਲੀ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਆਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਠੀਕ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪ ਆਦਣ ਯਾਰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ, ਦੱਸਾ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਹੱਜਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੌੜਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਸਲਨ ਹੋਈਏ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਿਗਾਹੇ ਵਲੀ ਮੈਂ ਵੋ ਤਾਸੀਰ ਦੇਖੀ, ਬਦਲਤੀ ਕਰੋੜੋਂ ਕੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਫਰਮੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਸੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕੀ ਰਾਤ ਚ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਮੱਕਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ 27 ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਜਮੇ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ
मारूफ करखी दी गाल करा ओए आप नु सारे बगदाद आले मनदे हन ए लैन वट्टू साहिबा मैं अख बंद करके पढ़दा जड़े वेले आखरी टाइम आया मारूफ करखी सरकार दा मुरीद नुआ देनो मेरा मुरीद इराक दे ईसाई भी मेरे कोल आने इराक दे यहूदी भी मेरे कोल आने इराक दे सारे मेरे कोल आने मैं किसी दा दिल नहीं तोड़दा जड़े वेले मैं मर जावा आख दे भी जेदे कोल मेरी मैयत चवीज गई मैनू कब्र विच भी उहो रखसन बाकी कोई नहीं रखेगा लखा लोग आए ईसाइयां चाउण दी कोशिश की थी आप दी मैयत ना चवी जरदशा ने चावण दी कोशिश की थी आप दी बॉडी ना चवी और यहूदियां ने चावण दी कोशिश की थी मारूफ करखी दी मैयत ना चवी लेकिन जले मोहम्मद दे गुलामा चाहिए सुभान अल्लाह ओए अल्लाह अल्लाह करिए ता गल बन दी है अल्लाह अल्लाह पढ़ते हो तो सारे पढ़ो नहीं तो फिर ना पढ़ो अल्लाह अल्लाह करिए ता गल बन दी है मुर्शिद का मिल फड़िए ता मेरा दिल आए हाथ जाके मेरे भीरा वांगो पढ़ो अल्लाह अल्लाह करिए ता गल बन दी है मुर्शिद का मिल फड़िए ता गल बन दी है अल्लाह दिया जरबा लही जा सीने विच सीने विच अल्लाह जरबा लई जा सीने विच सीने विच मुर्शिद मुर्शिद करिए ता गल वाह भाई तुहाड़ी तो आवाज ही मेरे नालों चंगी है बल्ले बल्ले तू मैनू नीवी मेरे नाल नीवी पढ़ रहा मैं मुल्तान तेनू लै गयो तैं पेंट सराई नहीं टप्पना ते पहले तेरिया अखां बंद हो जासन पढ़ मेरे नाल अल्लाह अल्लाह मुर्शिद का मिल फड़िए बन दी है अल्लाह अल्लाह वाह 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 भाई वाह तेरिया हयातियां डरदा ही नहीं है मौलवी कोल अल्लाह अल्लाह करी ए शेर साई मैं तुहाड़ी नजर कर रहा ए शेर दी लताफत बड़ी अजीब है शायर कमाल दी गल करदा है ओ आदा है अल्लाह दिया जरबा लई जा सीने विच सीने विच अल्लाह दिया जरबा लई जा सीने विच जान तली ते धरिए ता गल बंदे ना चौक ते खड़ के चपलियां मार के आदन बाबा किदे जांदे पे हो जी मैं जा रहे हैं हजूर किबला पीर नूरानी दे उर्स ते अच्छा अच्छा ये क्या लेके जा रहे हो जी ये जी चादर लेके जा रहे हैं क्यों जी बाबे औरां नूं सर्दी लगदी है सर्दी लगती है फिर तुसी तो हो ना भोले बादशाह तुसी तो जवाब नहीं देंदे फिर मैं मिठा मिठा जवाब देना और साडे बाबे नूं तो सर्दी नहीं लगती ये खाने काबे ते जो त्राए करोड़ रियाल दा हर साल लिबास पवेंदे हो काबे नूं भी सर्दी लगती है नहीं नहीं कई कई बंदे दा हाल ही भी हार्डवेयर मेरे ख्याल ठीक नहीं होया आहा मेरा ख्याल है बुफर होवे बुफर ओ फिर तुहाड़ा ज़हन क्लियर करे तुझे ठीक नहीं होए हाँ जी खाने काबे नु सर्दी लगदी है नहीं जी नहीं नहीं जी नहीं वो तो काबातुल्ला है अल्लाह का घर है ते तुसी भी आख दिता करो ना असा शराबी दी कबर ते चादर पावन नहीं जा रहे जिवें ओ काबातुल्ला है ना ए बाबा वलीउल्लाह है
हा सुभान अल्लाह लड़ींदा नहीं मिठी मिठी गल करिंदी है फिर आकी क्यों जी वजह क्या है तू आख दे वीना चल तेरू सांगला हिलदी में लाइब्रेरी वे ले चलना लखां किताबां रखियां हैं किसी दे कुरान दा गलेफ नहीं लेकिन कुरान दे गलेफ है वजह ओ आखेगा कलाम उल्ला है ताकि दूर तो पता चले ए अल्लाह दी किताब है असैदाइयो दसे ने है हजारा कबरां दे विच एक कबर ते सावी चादरा दूर तो पता लग रहा है अल्लाह दे वली दी कबर है हाय हाय सुभान अल्लाह भाई क्या बात है बेटा आप थके तो नहीं अली रजा साहब हैं जी ए साडा चैनल आला जी अली 4K मैं हर दफा ना भूल जाना इस तो तकरीर ले लवा मैं जेड़ी गल पिया करदा डंके दी चोट ते कुरान चो पिया करदा ए वली दिया मैं कितना निशानियां दसाइया वाह भाई वाह बेटा तेरा उठ के दसी कितनिया हां सानू जी मौलवी दी समझ नहीं आई मेरी खप पांदा आई चलो मेरी तो समझ नहीं आई इस तो ट्यूशन पढ़ लवी इनू समझ आ गई हां बेटा सिपारा केड़ा आई हाँ जी ओ सूरत केड़ी आई तौबा आयत नंबर 71 आखो आखो हुसैन ने भी तो 71 ही दिते हैं ना 72वां दा ओ आप ही आई ना आहा सुभान अल्लाह जी चांद जी मेहरबानी चांद जी आपकी क्या बात ने आपने बीबी जहरा की मनकद बत पढ़ी आप चले भी जाते तो हम आपसे खुश थे कब्र तक की खुदा दी कसम है बतूल का जिक्र वही करते हैं जिनकी माँ ने नबी नबी का नारा ला के दूध पिलाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शब्बीर और शब्बर दी अम्मी जहरा नबी दे वेहड़े है जम्मी जहरा तेरे रुतबे नु कौन जाने उम्मती तेरे ने कम्मी जहरा हाय हाय मारूफ करखी दी क्या बात है सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह आप मुसल्ले ते बैठे हैं कुरान पढ़ते बैठे हैं ते घर आप दाही दरिया दे नाल आप करन गए वुजू पिछो आ गई है औरत ते ओदी आदत है डाका मारन दी केड़ी शायद जी बोलो डाका मारन दी ओने सारा माल शाल इकट्ठा कीता ते नाल लेके टुर पई ते जड़े वेले गई ना ते मारूफ करखी सरकार रहमतुल्ला अलैह सामने आ रहे हैं आप लड़े नहीं ओदे नाल आपने कोई अखी नहीं कढ़िया आपने कोई हाथ नहीं चलाया आपने फरमाया बीबी क्या हाल है तेरा मैं ठीक हाँ ठीक हाँ ठीक हाँ आपने फरमाया बीबी अच्छा ठीक है ही जी जी मैं ठीक हाँ अच्छा माल भी सारा लेके जा रही है आपने फरमाया अच्छा बीबी इवें है अगर तेरा बेटा कुरान पढ़ता होवे तो फिर तो कुरान ले जा ओए उस माल विच मारूफ करखी रहमतुल्ला अलैह दे माल च मुसल्ला भी हा ते कुरान पाक भी हाँ माल तो होर भी हाँ ते आपने फरमाया बीबी तेरा बच्चा अगर कुरान पढ़ता हो फिर तो तू कुरान ले जा नहीं तो कम अज कम कुरान तो दिती जा मैं तेन मुसल्ला भी दे देना माल भी सारा ले जाओ कदम डिगी आखन लगी तेन कहने के आए फरमाया जेदे असा नौकर है उन्हें सानू अगाह फरमा छोड़िया है हैरान होए बैठे हो क्योंकि मैं उस दरबार ते आज आया बैठा मेरे पीर नूरानी आलिम भी हन वली भी हन ते मैं ओदा जिक्र पिया करे ना जेड़ा आलिम भी हा ते वली भी हा सुभान अल्लाह आलम भी हा ते वली भी हा आलम भी हा ते वली भी हा ए ओ मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह है जेने रूहानी फैद इमाम अली रजा पाक तो हासिल कीता और किताबी फैद इमाम आजम अबू हनीफा पाक तो हासिल कीता है हाय 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 आखो सुभान अल्लाह अगली गल मैं किवें पढ़ा मैं का अख बंद करके पढ़ता जी मेहरबानी सर अल्लाह आपको सलामत रखे मैं जड़ी गल पे आ करदा अल्लाह अकबर आप इवें आंदे पैन ते कोई 100-150 बंदा शराब दी महफिल विच गर्क है शराब पी रहन ते शोर मचा रहन शराब पी रहन ते शाबाश शाबाश शराब पी रहे
शराब पी रहे हैं ते एक बंदा ना मारूफ करके नुआदा ले बाबा तू इन्हां नु भी तो समझा चलो समझा नहीं सकदा तो कोई बद्दुआ ही कर दे इन्हां कीता क्या होया देख शराब भी पींदे खड़े न होल गुपाड़ा भी करेंदे खड़े न रोक नहीं सकदा चलो बद्दुआ ही कर दे सारे जुमले तुहाडे नूरानी चेहरे दी नजर पिया करे ना चेहरे दा रंग अगर नूरानियत च भरपूर हो जावे तो बोलना है वरना नहीं वली हा ना बदमाश था ना हा आपने में हाथ चा के आके अल्लाह साईया जिवें इत्थे अयाशी कर रहे ना जन्नत जिवें अयाशी कर जैसे ये आज खुश है ये जन्नत में भी खुश हो बस इहा गल करनी है ओए होए साईं इहा गल करनी आई ओ जड़ा 150 शराबी खड़ा हा उन्ना ते जड़े वेले अल्लाह दी रहमत वसीए या ता हस रहे हन या फिर रोवण पाए गए भजदे हजरत मारूफ करखी रहमतुल्ला अलैह दे कदमे विच बह गए आदन मारूफ करखी सानू कलमा भी पढ़ा जा ते नबी दा दीवाना भी राजा कलमा पढ़िया दीवाने बन गए ओ जड़ा बंदा हा जने आखिया हा या बद्दुआ चकर या समझा आप ओदे वल मुस्करा के आदन है बंदा है खुदा जब शीरने से ही बंदा ठीक हो जाए तो जहर देने की क्या जरूरत है ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਏ ਉਹ 150 ਤੇ 150 ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰੇਂਦੇ ਨ ਆ ਫਰਮੇਂਦੇ ਨ ਵੇ ਕਿਆ ਦੇਖੜੇ ਹੋ ਉਹ ਆਦਨ ਸੁਚੇਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੂਫ ਕਰਖੀ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਏ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ हुसैन दा नाना कितना सोना होएगा आ फरमेंदे नगर आखे ता तेनू हुसैन पाक दा नाना विखा देवा उना के सरकार बगदाद ओ मदीना है ओ नाले पौने 200 साल हजूर नू परदे कीते हो गए तुसी कीवें विखावोगे फरमाया तुसी अख बंद करो मैं विखे ना उना अख बंद कीती है मौला ना हजूर मारूफ करखी मदीने दो मुंह करके अदन या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मैं तेरे इमाम अली रदा दा नौकर तेरे पुत्रे दे पुत्रा दा नौकर इत्थे तक मैं ले आया दीदार तुसां कराओ ओ जड़े रोंदे बैठे हो मदीने विच आवाज आई है मारूफ करखी ना घबरा अख बंद कर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਲੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਈਏ ਤੇ ਚਾਂਦ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆ ਫਰਮਾਇਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾਓ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕੀ ਹੋ ਜੀ ਆਏ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਕਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੂਹ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਚ ਕਰਾਂ ਉਹ ਆਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮਾਰੂਫ ਕਰ अल्लाह गवाह है ओदा जोड़ कोई नहीं है अल्लाह गवाह है ओदा जोड़ कोई नहीं हाथ चुक के जी अल्लाह गवाह है ओदा जोड़ कोई नहीं ओदा जोड़ कोई नहीं मेरा अल्लाह जड़े हाथ चा रहे ओ मेरा करीम अल्लाह इत्थे नहीं शर्मा रहे इना जियाले नू हजूर दा दीदार करवा अल्लाह गवाह है ओदा जोड़ कोई नहीं ओदा जोड़ कोई नहीं ओ बेमौसमिया जो खजियां उगावे बेमौसमिया जो खजियां उगावे सूरज नू तीगर ते वापस वलावे अल्लाह गवाह है ओदा जोड़
वाह 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 सुभान अल्लाह सर मेहरबानी आपका शुक्रिया। अल्लाह गवाह है अल्लाह तेरे हंजू कबूल करे ये मेरा कमाल नहीं। आपकी अम्मी पाक जिंदा हो तो जाके माँ के पांव चूम लेना कहना अम्मा मैं लाखों के घाटे में नहीं रोता मगर नबी के जिक्र में मैं रो पड़ा। अल्लाह गवाह है ओदा जोड़ कोई नहीं ओदा जोड़ कोई नहीं जेदा एक इशारा चन चीर देवे जेदा एक इशारा चन चीर देवे। अल्लाह पाक जसनु अली वीर देवे अल्लाह पाक जसनु अली वीर देवे। अल्लाह गवाह है ओदा जोड़ कोई नहीं ओदा जोड़ कोई नहीं। अल्लाह खुद भिजेंदा सलवा तो होवे अल्लाह खुद भिजेंदा ओ सलवा तो होवे कुरान सारा ओ जेंदी ना तो होवे कुरान सारा ओ जेंदी ना तो होवे। अल्लाह गवाह है ओदा जोड़ जी मैं पढ़दा अजीजे मुकर्रम फरमा रहे जेदा एक इशारा एक दो बंदे इंजन करें दे बैठे हो तुझा सुभान अल्लाह दी महंगाई की हुई है। हाँ हाथ बुलंद करके हकूमत बिजली दे बिल ज्यादा भेज रही है गुस्सा तुसा मेरे उत्ते की बैठे हो। अल्लाह खुद भिजेंदा सलवा तो होवे अल्लाह खुद भिजेंदा सलवा तो होवे कुरान सारा ओ जेंदी ना तो होवे। अल्लाह गवाह है ओदा जोड़ जी तुहाडा हुक्म जी जेदा एक इशारा चन चीर देवे जेदा एक इशारा चन चीर देवे। अल्लाह पाक जिसनु अली वीर देवे अली दे नां ते हांस ठर गया है तो फिर आखो सुभान अल्लाह आहा जेदा हां ठर गया है क्योंकि अली अली कौन है अली नाल जेदा रजू चंगा कोई नहीं ऊ बंदे दा असलू लहू चंगा कोई नहीं। जिक्र अली विच मूंचा वटावे या बंदा गलत है या पीऊ चंगा कोई नहीं। वाह 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 जिंदा वाह भाई माहौल तो जन्नत बन गया जी क्या बात है जी क्या बात है जी ओ सांगला है लाले ओ सुभान अल्लाह हाथ बुलंद करके नाराया हैदर आस्ताना आलिया हजूर हाफिज मुहम्मद हनीफ मुजद्दी फैजाने पीर नूरानी फैजाने पीर नूरानी फैजाने पीर नूरानी मारूफ करखी सुभान अल्लाह हाय 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 सुभान अल्लाह। वलीदी वलीदा काम वेखो एनिया क्या शराबियों की कर दे पे हो दुआ चकीती अल्लाह बेड़ा पार कर दी सर वली कर दे ही ऐसियां इहो तुहाडा दरियाए रावी हा ना हजूर दाता अली हजवेरी ताजा ताजा उमरा करके आए हन कश्ती विच बैठे ते सर ते वाल कोई नहीं ते तानू पता ता है ना लाहौर वाले ते फैसलाबाद वाले गल करन तो तरांदे कोई नहीं। उन्हां लाहौर वाले ने आख्या देखो बाबा रोडा यानी इहदे वाल ही कोई नहीं इहदे वाल ही कोई नहीं। खलीफा आखन लगा जी कोई मेहरबानी करो कोई इन्हां वास्ते बददुआ ही कर दिओ तुसी दाता अली हजवेरी होए क्या चबला पे मार दें। आपने फरमाया चुप कर तू ये बतदा जानदा मैं इंतहा जानदा। जिवें ही कश्ती तो लहण लगे ना आखन लगे अल्लाह सईया मेहरबानी फरमा मेहरबानी फरमा मेहरबानी फरमा इन्हां ते नजरे करम पा कश्ती विच बैठे हन बदमाश हन थले उतरे तो वली बने खलोते